थाना वृंदावन कोतवाली के कस्बा चौमुहा में किसानों ने कैद की गाय। मथुरा से खबर आ रही है। एक तरफ योगी सरकार गोवंश के लिए जगह जगह अस्थाई गौशालाओं का निर्माण करा रही है और गायों की देखभाल के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं अधिकारी सरकार की योजनाओं को पलीता किया गया है। जिले में नवागत जिलाधिकारी का नवनीत चहल ने पद का कार्यभार ग्रहण करते ही बेसहारा गोवंशों के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों के निर्देशित भी किया कि कोई भी गोवंश खुले में न रहे, सभी को पकड़वा कर गौशाला में रखवाया जाए जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके। जो गौशाला संचालक लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन मथुरा के गांव सकराया में बेसहारा गौवंशों से परेशान किसानों ने 150 गौवंशों को पकड़कर गांव में एक ही चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। बताया कि 20 वर्ष पूर्व इस जगह पर कभी गौशाला हुआ करती थी। बंद गौवंश प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते भूखे प्यासे हैं। किसानों ने बताया कि ये आवारा गोवंश उनकी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इन आवारा गोवंशों को पकड़वाकर गौशाला में छोड़े जाने के लिए कई बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मूलचंद शर्मा, दिनेश चौधरी, प्रेमचंद आदि किसानों ने बताया कि इस समय खेतों में गेहूं, सरसों और आलू की फसल खड़ी है। आवारा गोवंश इस फसलों को नष्ट कर रहे हैं। किसान दिन रात अपने खेतों की इन आवारा गोवंशों से अपनी फसलों को बचाने के लिए रखवाली कर रहे हैं, इसके बावजूद ये गोवंश फसलों में नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई किसान तो सर्दी के मौसम में रात के वक्त खेतों की रखवाली करते समय बीमार तक पड़ गए। इन आवारा गोवंशों से परेशान गांव के किसानों ने शनिवार को करीब 150 बेसहारा गोवंशों को पकड़कर गांव में ही एक ही चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया। किसानों ने यह भी बताया कि जब गायों को लेकर गौशाला में जाते हैं तो बस एक या दो गायों को ही गौशाला में रखी जाती है और यहां पर गायों की बड़ी संख्या है। जितने भी हैं सब लोग परेशान हैं, आप देख रहे हो। गांव में लोग अपना आशियाना बनाते हैं रहने के लिए, बेड हैं, बिस्तर है, रजाई है, गद्दा है, सब है पूरी व्यवस्था सोने के लिए, लेकिन फिर भी हमको इनकी वजह से खेत में आप फूस पर एक मुर्दे की तरह सोना पड़ता है। वहां सांप खा जाए घर वालों को सुबह मालूम पड़ेगा, जब हमारे मुंह से झाग निकलेगी तब पता चलेगा कि यहां क्या हुआ है। हमारा गाँव इन्हें हमारी पूरी पंचायत गाय के आतंक से, मैं इसको आतंक नाम दूंगा, इस गाय के पूरे आतंक से परेशान है। और मैं प्रभारी हूँ आपकी इलेक्ट्रो मीडिया का कि आपने हमारी सुध ली और आप हमारे इस गांव में आए। तो ऐसी कितनी गायें हैं जो कि आपने वहाँ गौशाला बंद कर दी है? जी, इस तरह देखी जाए दो गो आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जो भाई बंधु हैं इन लोगों ने करीब 200 के करीब गायें, जो हमारी अस्थायी गौशाला है। अस्थायी इसलिए कहूँगा कि प्रशासन ने पिछले साल 2019 में गौशाला निर्माण करवाया था इसमें, और वहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था न होने की वजह से आसपास के गांव की गाय भी इकट्ठी होकर धरा गई, और जब वहाँ उनको खाने को कुछ नहीं मिला गांव वालों ने इनको यहाँ छोड़ दिया। तो गाय भूखी मरी, इनको छोड़ दिया जाए। उस समय लगभग मई का महीना था, अब उस समय तो फसल होती नहीं है खेतों में, अब फसल आई फिर परेशानी खड़ी हो गई। लेकिन धन्यवाद दूंगा अपने भाई प्रकाश जी का, जो हमारे पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं झटका रहने वाले, वो आए, उन्होंने हमारी समस्या सुनी और हमको इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, और उन्हीं के ही निर्देशन में हमने इन गायों को एक अस्थायी व्यवस्था की है। और उनका उनसे जो हमारे भाई बंधु हैं उनकी वार्ता होती रही है कि इनको कल यहाँ से तो गौशाले में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अभी कितनी ऐसे आवारा पशु हैं जो अभी बाहर डोल रहे हैं? अभी तो कम से कम आप समझ लीजिए 50-100 की संख्या में अभी पशु बाहर होंगे और 200-250 की संख्या में करीब अंदर पहुँच चुके हैं। तो अभी क्या चाहते हो आप? उत्तर प्रदेश सरकार व जिलाधिकारी मथुरा से आवारा गोवंशों को पकड़वा कर गांव में के बाहर गौशाला में रखवाए जाने की मांग की गई है। ठंड के आप समझ लीजिए 1-2 डिग्री टेम्परेचर तापमान है, उसमें हम अपने घर में रहें बच्चों के साथ, न कि जंगल में।